तो ये देखो नए जमाने का लाइटर चोर बाजार में क्या बात है यार सिगरेट जो पीते उनके लिए तो बेस्ट है गुड और ये है ट्रिमर क्या मस्त दिख रहा है ना ट्रिमर और ये एयरपोर्ट एप्पल का चोर बाजार में और ये वॉच काफ़ी शानदार वॉच है यार प्राइस आपको पता चलेगा आगे वीडियोज़ में और ये देखिए गोल्ड के नेकलेस डायमंड नहीं गोल्ड के ये यहाँ चोर बाज़ार में आपको सस्ते में मिल जाएंगे और ये सब मिक्सर आपको अगर चाहिए तो आकर देख लीजिए पूरा वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ये हेडफोन कितने का है आपको वीडियो में पता चलेगा एयरपोर्ट सेकेंड हैंड नाइक एयर का शूज़ और काफ़ी मज़ेदार है ये और ये देखिए ब्लैक एंड वाइट शानदार यार आप पूरा वीडियो देखना आपको कितना मस्त मस्त चीज़ में दिखाऊंगा आपको पता चलेगा ये देखिए फोमा का शूज़ क्या बात है यार आगे आगे देखो क्या क्या दिखाओगे तुम लोगों को एयर एयर क्या जबरदस्त सोज है ना आगे वीडियोस में आपको बहुत कुछ दिखाने वालों so, no, okay so, आज जाने वाले हैं कुेत में शोर बाजार जुआ मार्केट फ्राइडे मार्केट शोर बाजार जो भी कह लो so, तो इस वीडियो को इंजॉय कीजिए चैनल पर मेरे तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा बस यही कहेंगे क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो ये गलत बात है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो दोस्तों जिस मार्केट में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को सेकेंड हैंड चीज़ें मिलेंगी जैसे कि सेकेंड हैंड में कुछ भी आपको मिल जाएगा फ़ोन भी शूज़ भी क्लोथ्स भी जो कुछ भी आपको चाहिए ना घर में यूज़ करने वाले कोई भी सामान आपको सेकेंड हैंड में मिल जाएंगे सेकेंड हैंड तो मिलते ही है न्यू भी मिलते हैं वीडियो का तो को लाइक कर देते हैं चार पाँच सौ कम से कम पाँच सौ तो लाइक कर ही देना ठीक है बिना लाइक है अगर मर आइएगा प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए इस मार्केट में हम लोग काफ़ी बार आ चुके हैं लेकिन इस बार हम लोग कुछ रीजन से जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सूज़ के ऊपर वीडियो बनाइए तो इस मार्केट में काफ़ी ब्रांडेड ब्रांडेड शूज मिलेंगे चीफ एंड बेस्ट प्राइस में क्योंकि वो नीलामी वाले सूज रहते हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दूंगा तो चलिए स्टार्ट कर मार्केट में आपको क्लोज भी मिलेंगे स्वेटर पैंट्स लोवर सब कुछ मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर ना आप लोगों को मस्त मस्त टी शर्ट शर्ट वग़ैरह मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते एक के डी दो के डी में यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनकी सैलरी कम होती है और थोड़ी गरीब लोग होते हैं तो आकर आप अगर देख सकते हो तो देख लो बट अब चलते हैं दूसरी तरफ तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरफ आ गए हैं यहाँ पर कुछ भी मिलेगा आपको मिक्स अलग अलग काउंटर लगे होते हैं तो ये देखिए एप्पल का एयरबड तो ये पूछते हैं कितने का कितने का भाई ये दस दिनर ये दस दिनार का बोलते हैं बट ये दस दिनार का रहेगा नहीं क्योंकि आपको यहाँ पर बार्गेनिंग करना है अगर ये दस के डी बोलते हैं तो आपको दो या तीन के डी मिलना है और ये देखिए लाइटर इलेक्ट्रॉनिक लाइटर है तो यहाँ पर देखिए आपको मतलब आलू प्याज के जैसे यहाँ पर बिखरे हुए सामान दिख रहे हैं आपको तो मेरे को यहाँ पर एक हेडफोन दिखा था तो हेडफोन थोड़ा देख लेता हूँ और यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया यार अभी इधर दिखा था हाँ ये रहा तो ये हेडफोन देखिए ये भी काफ़ी एक से दो दिनार में आपको मिल जाएंगे बस बार्गेनिंग करना है ये सब चालू कंडीशन में है चालू है कितने का ये? है भाई कितने का ये वाला दिखे दिखे। पाँच जगह तो यहाँ पर आप आकर के सेकेंड हैंड घर में यूज़ करने के लिए सामान लेकर जा सकते हैं ओवन हो गया मिक्सर हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाँच हज़ार बोल रहे हैं लेकिन दो तीन चार के डी में आ, मिल सकता है आपको बढ़िया से बढ़िया शानदार ये तो अभी मतलब थर्ड क्लास का ये एक दो के में मिल जाएगा ओवन देख सकते हैं यहाँ पर ओवन पाँच छः के का मिल जाएगा तो अगर आते हो खुवैत कभी अगर खाना आपको खुद से बनाना है तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं बस जनित में जा रही तो इस साइड में चलते हैं तो देखिए ये है गोल्ड के नेकलेस प्योर गोल्ड यहाँ पर चोरी करके लोग ला कर बेचते हैं इंडिया से या कहीं से भी किसी कंट्री से ला कर बेचते हैं तो ये जो नेकलेस है प्योर गोल्ड का है ओरिजिनल है और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है शादीशुदा है तो भाभी के लिए लेकर जाइए गर्लफ्रेंड्स के लिए लेकर जाइए काफ़ी सस्ते प्राइस में मिलेंगे और मैं तो सोच रहा हूँ अपनी होने वाइफ होने वाली वाइफ के लिए ले लूँ जवान लड़का आ रहा है तो अब काफ़ी आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ तो ये पहले देख लीजिए प्योर गोल्ड है कैसा लगा मेरा मजाक नहीं रोल गोल्ड है और काफ़ी सस्ते में दो के डी तीन के डी में मिल जाएंगे ये देखिए ये भी रोल गोल्ड है कोई प्योर गोल्ड नहीं है और कोई चोरी वगैरह के नहीं है ये सब रोल गोल्ड का है तो मजाक में बोला था सीरियस मत ले लीजिएगा ये चैन नूज के डी का मिल जाएगा और काफ़ी सारे ऐसे आइटम हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आकर देख लीजिएगा ये फ्राइडे मार्केट है लोकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा जगह का नाम बता दूंगा यहाँ पे रिंग भी दिख रहा है आपको तो फिर ये सब ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं है अब चलते हैं अपने शूज़ की तरफ आपको ब्रांडेड ब्रांड बढ़िया बढ़िया शूज़ दिखाता हूँ तो ये सब बहुत हो गया यार अब नहीं बस चल चलें ओके बंद कर तो अब हम चलते हैं शूज़ की तरफ आप देख सकते हो काफ़ी सारे शूज़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो ये जो भी सारे शूज़ हैं ना वो नीलामी वाले हैं तो एक एक करके मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगा और इंडियन मनी के हिसाब से भी मैं बता दूंगा तो ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है नाइक एयर का ये फिफ्टीन के डी का है पंद्रह दिनार का तो आप समझ लो कि तीन से पैंतीस सौ पैंतीस सौ तक इंडियन मनी के हिसाब से ये पड़ेगा और ये नहीं कि आपको फिक्स रेट यहाँ पर मिलेगा आपको जितना भी मार्गेनिंग करना आता है कर सकते हो ये ज़्यादातर रेट बताते हैं आपको कम से कम करवाना है ये भी वही सेम प्राइस का है कलर बस अलग है ब्लैक एंड रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन है काफ़ी बेहतरीन सोज है नाई केयर का ये आप अगर शॉप पे लेने जाते हो तो आपको कम से कम सेवेंटी या एट्टी के तक का मिलेगा चौबीस पच्चीस हज़ार तक हो जाएगा इंडिया का ये भी देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मेरे को ब्लैक एंड रेड एंड वाइट भी इसमें थोड़ा सा है मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा ये है ट्वेल्व के का ये कुछ चौबीस पच्चीस सौ तीन हज़ार के आसपास पड़ेगा इंडियन मनी के हिसाब से तो यहाँ पर आपको शूज़ बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे यार और ये भी काफ़ी बेहतरीन है ये ओनली टेन के डी का है तो ये चौबीस सौ साठ रुपये तक का हो जाएगा इंडियन मनी तो ये भी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार यहाँ पर आकर ना आप लोग मतलब कुछ भी ले सकते हो यार और ये भी देखो एयर का ये भी है ये है थोड़ा महंगा है क्योंकि ये ज़बरदस्त दिख रहा है पूरा और इसकी क्वालिटी भी सुपर है तो ये ट्वेंटी के डी के है तो ट्वेंटी के डी के मतलब पैंतालीस सौ तक का चला जाएगा इंडियन मनी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हम तो तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सोज़े उधर रखे हुए हैं और ये आ, सस्ता है थोड़ा ये ओनली फोर के डी का है कुछ एक हज़ार कुछ होगा इसका इतना कैलकुलेट नहीं कर सकता लेकिन हाँ आसपास बता देता हूँ एक हज़ार बारह सौ रुपये के आसपास होगा ये भी वही है सब सेम रेट है तो आलू प्याज के जैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है शूज़ तो ये न्यू बिल्कुल ही न्यू शूज़ हैं और ये समझ लो आपकी ये फर्स्ट कॉपी है वो जो दिखा रहा था वो ओरिजिनल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूज़ शूज़ भी मिलेंगे जो कुती लोग यूज़ करते हैं वो लोग ऐसे दे देते हैं लोगों को तो यहाँ पे वो भी मिल जाएंगे और वो सस्ते मिलते काफ़ी एक दिनार का न्यूज़ केडेगा मतलब इंडियन मनी के हिसाब से कुछ दो सौ हुए हैं ये सब न्यू uh, है ये यूज़ नहीं है और ये देख लो ये है फोर के डी का फोर के डी का वही आप समझ लो बारह सौ रुपये तक का होगा और ये एडिडास का यार क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार तो सस्ता है काफ़ी एक बार आकर यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए और शूज़ लीजिए इंडिया ले जाने के लिए काफ़ी मस्त रहेगा और ये फोमा का शूज़ काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है ये ट्वेल्व के डिग है आकर एक बार आप देख लो लोकस ये देखिए वॉच तो ये सेक्शन पूरा वॉच का टेबल है मतलब यहाँ पर आपको सारे ब्रांडेड्स के वॉच मिल जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन वॉच मिलेंगे आपको और ओरिजिनल uh, जो कुवैती लोग होते हैं ना वो कहाँ uh, कहाँ से वॉच लेकर आते हैं अमेरिका से यहाँ से वहाँ से और यहाँ पर मतलब uh, इनको उनको बेच देते हैं तो यहाँ पर वही वॉच मिलेंगे और कुछ कॉपी भी मिलेंगी ये नहीं कि सारे ओरिजिनल uh, मिल जाएंगे तो ये सारे वॉच आपको एक के डी से लेकर के दस पंद्रह बीस के डी तक मिलेंगे अलग अलग प्राइजेस के रहते हैं तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो यहाँ पर आकर देख लीजिएगा मैं सिंपल में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ तो इनमें से जितना भी मैं दिखा रहा हूँ आपको दस के डी से लेकर पंद्रह के डी तक के ये वॉचेस हैं और शानदार जबरदस्त ज़बरदस्त यार मतलब पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ आप वॉच पहने हैं तो ये मतलब ऐसा समझ लीजिए कि चोर बाज़ार का मार्केट है तो यहाँ पर किस तरह के सामान मिलेंगे आप लोग देखकर कर समझ कर लीजिएगा यानी कि मेरे कहने पर ले लीजिए मैंने कई बार यहाँ से वॉच ली है और काफ़ी अच्छी भी रहती है ये देखिए ये आप शॉप पर लेने जाओगे ना तो आपको कम से कम हंड्रेड के डी वन तक के मिलेंगे तो यहाँ पर आप दस पंद्रह के तक ले सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ख़राब मिलेगा देख कर लेना और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक लाइटर ये भी अगर जो सिगरेट पीते हैं सिगरेट वगैरह है, स्मोक करते तो उनके लिए ज़बरदस्त है ये ओनली टू के डी थ्री के डी तक का मिल जाएगा ये न्यू है सेकेंड हैंड भी इनके पास रहता है और देख सकते हो ये पेटी पैक है तो सिंपल के लिए लोग रखे हुए हैं यहाँ पे आलू प्याज की तरह सब सामान रखा हुआ रहता है और ये देखिए ट्रिमर ये भी न्यू है ये ओनली फाइव के डी का है तो ये ट्रिमर जो है ना अभी नया लॉन्च हुआ है और इसका लुक देखो एक बार काफ़ी डेंजर दिख रहा है और ये गोल्ड कलर का है थोड़ा और ये सन ग्लासेस गुची का तो आप समझ ही सकते हो कुवैत में अमीर अमीर लोग रहते तो यहाँ पर ज़्यादातर अमीर ही आते हैं विज़िट करने के लिए ये भी देख लो लाइटर एक से एक लाइटर आपको यहाँ पे मिलेंगे बाकी आप लोग थोड़ा आकर एक बार देख लो या विज़िट कर लो आपको लोकेशन में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ये देखो यहाँ पर कोईन भी बिकते हैं तो अपना इंडिया का कोइन मिल जाए तो अच्छा है क्या बात है यार दो रुपये इंडिया का ज़बरदस्त अपना इंडिया क्या बात है कुत में और ये देखिए यहाँ पर कैमरा भी मिलते हैं सेकेंड हैंड लेंस भी मिलते हैं तो ये लेंस आपको दस से पंद्रह केडे तक का मिल जाएगा ऐसा नहीं कि यहाँ पर मतलब अच्छे ही रहते हैं ज़्यादातर चेक करके ही अगर आते हैं तो ले लीजिएगा अगर यहाँ पर आप आओगे ना तो आपको कुछ भी मिल जाएगा यार कुछ भी सुई से लेके एंड अंडरवेयर तक ठीक है तो ये कैमरे बहुत ही पुराने ज़माने के ओल्ड कैमरे ये चलते भी नहीं हैं लेकिन आप अगर लेते हो तो इसमें से कुछ पार्ट्स अब अगर आपका कैमरा ख़राब हो गया तो आप इसमें लगा सकते हो ये देखो काफ़ी पुराने ज़माने का के कैमरा है और ये तो नए ज़माने का है तो लिंक में सॉरी क्या लोकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और जगह भी बता देता हूँ अगर आना होगा तो आ जाइएगा बस तो कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस को लाइक कर लेना बहुत ही बड़ा मार्केट है ये पूरे मार्केट में मैंने ढूंढ लिया आईफोन का स्टॉल कहीं पे लगा ही नहीं था मतलब सेकेंड हैंड फोन का क्योंकि जगह जगह पे हर जगह पे स्टॉल लगा रहता है तो कहीं पर भी आईफोन के स्टॉल नहीं लगे हुए थे यूज फ़ोन के स्टॉल लगे हुए ही नहीं थे तो मैंने दादा लोग से बात किया बोलते यार आप लोग आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था क्योंकि फ़ोनस वगैरह के स्टॉल थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो यार मैंने लेट कर दिया आने में ओके कोई बात नहीं फिर कभी आ जाएंगे फिर कभी आप लोगों को दिखा देंगे तो आप लोगों को ये वीडियो देखने में कैसा लगा प्लीज़ वीडियो देखने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना मिलते किसी और वीडियो में बढ़कर खुदा आपी शिमोन